हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कोई एक वेबसाइट बनाते हो तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि आपको किसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती होगी कि मतलब कोई एक ऐसा सोर्स जहां से आपको पता चलता रहे कि आपकी वेबसाइट पर कब कितने लोगों ने विजिट किया और लाइव रिपोर्टिंग उसकी चले कि कितने लोग उस पर मतलब विजिट कर रहे हैं और कितने लोग लाइव उस पर हैं। तो ये बेसिकली गूगल की तरफ से एक फ्री सर्विस होती है एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स में ही आपको पता चलता है सब कुछ कि किसी भी वेबसाइट का लाइव रिपोर्टिंग इसी में होता है, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर अभी मेरी एक वेबसाइट का वो चल रहा है, मतलब लाइव अपडेट हो रहा है कि इसमें नंबर देखिए जो चल रहे हैं 21, 22, 23, 24 वेरी कर रहा है। कि ये बता रहा है कि मतलब लाइव कितने यूज़र्स हैं इस समय वेबसाइट पर मेरी। मेरी एक वेबसाइट अभी कुछ ही दिन हुआ बनाई से, तो उस पर मतलब ये दिखा रहा है कि अभी काफ़ी कम है इस पर। देखिए 24-25 ही लाइव उसमें लगभग आते हैं, और ज़्यादा होता है तो 70-80 तक ही आजकल ये पहुँच रहा है, ठीक है। तो मतलब क्योंकि बहुत अभी लेटेस्ट बनाया है इस वेबसाइट को मैंने, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए इसका यूज़ मैं कर रहा हूँ बस। तो इसमें यूज़र्स देखिए दिखा रहा है कि लगभग 15,000 यूज़र्स इसमें आ चुके हैं, यूनिक यूज़र्स जिन्होंने लगभग 16,000 सेशंस किया है और 16,000 बार इस वेबसाइट को खोला है, और इसका बाउंस रेट वगैरह। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, और यहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग इसकी चल रही है कि मतलब कितने यूज़र्स करेंटली वेबसाइट पर हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको एनालिटिक्स अपने ब्लॉगर से कैसे कनेक्ट करना है। जैसे कि जिस वेबसाइट की रिपोर्टिंग चल रही है, ये एक ब्लॉगर वेबसाइट है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अभी अभी एक एग्जांपल के रूप में ब्लॉगर पे एक ब्लॉग क्रिएट किया है जो कि मेरे खुद के नाम से है। तो देखिए, जैसे कि ये ब्लॉग है, तो मेरी बस एक प्रोफाइल है इस ब्लॉग में और कुछ नहीं है। तो अगर इसको मतलब हमें कनेक्ट करना है एनालिटिक्स से, और इसकी जिससे कि रिपोर्टिंग हो सके कि किसी भी टाइम पर इस पर कितने यूज़र्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा इसमें बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनालिटिक्स में जाके एडमिन ऑप्शन में जाना होगा। एडमिन में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कि क्रिएट अ प्रॉपर्टी। सो क्रिएट प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डालना होगा, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट का नाम है जो कि मेरा नाम है, तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना होगा। उसके बाद में वेबसाइट का URL डालना होगा, और चेक करना होगा कि वो HTTP है या HTTPS। तो यहाँ पे HTTPS है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके HTTPS पे कर दिया। और यहाँ पर फिर वेबसाइट का एड्रेस डालना होगा, जो कि यहाँ से कॉपी करके डाल देंगे, और इसमें से ये पार्ट हटा देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में इसकी इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, तो ये क्या है कि तो एक पीपल एंड सोसाइटी में इसे मैंने डाल दिया क्योंकि ये मेरी प्रोफाइल है बस, और कुछ नहीं है इसमें। रिपोर्टिंग टाइम इसका मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया हो, तो इंडिया पे क्लिक कर दिया, और ये GMT में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, जैसे कि दिखा रहा है कि इस अकाउंट में मेरी लगभग 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, और मैक्सिमम 50 इसमें हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि लगभग 50 वेबसाइट है मैक्सिमम इसमें ऐड कर सकते हैं एक एनालिटिक्स अकाउंट से। इसके बाद में हम गेट ट्रैकिंग ID पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद में हमें ट्रैकिंग ID मिल जाती है। दो ऑप्शन होता है, एक या तो ट्रैकिंग ID ले लीजिए, या फिर यहाँ पर एनालिटिक्स कोड है इसे ले जाके अपनी वेबसाइट में पेश कर दीजिए। तो ब्लॉगर में काफ़ी ईजी होता है। अब करना क्या होगा कि ब्लॉगर में अपने जाना है, और यहाँ पर सेटिंग्स ऑप्शन में जाके अदर ऑप्शन में जाना होगा। और अदर ऑप्शन में जाने के बाद में नीचे जैसा कि दिख रहा है कि एनालिटिक्स वेब प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन, तो इसी में इस ID को लाके पेस्ट कर देना है। और इसे पेस्ट करके यहाँ से सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है बस, ठीक है। अभी से हमने रिफ्रेश किया, और ये एनालिटिक्स अकाउंट से कनेक्ट हो चुका है। अब इसकी लाइव रिपोर्टिंग अगर देखनी है, तो हम अपने एनालिटिक्स में आएंगे और इस आकाश रंजन मिश्रा जो वेबसाइट है इसे सेलेक्ट करेंगे और अपने होम पे जाएंगे। तो ये देखिए, इसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर दिखा, जैसे कि मैंने इसका अभी करेंटली सिर्फ एक सिंगल यूज़र है जो कि मैंने खोल रखा है, तो वही ये दिखा रहा है कि होम पेज पे समय एक यूज़र ने इसे ओपन किया हूँ। तो बस यही था इस वीडियो में, यही बताना था कि एनालिटिक्स अकाउंट को कैसे ब्लॉगर अकाउंट से कनेक्ट करना होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।